मैं हूं रवि कुमार और आज हम जानेंगे सिम्स और फ्रॉड्स के बारे में। सिम्स और फ्रॉड रिलेटिवली एक नया और सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम है। इसे सिम स्प्लिटिंग, सिम हाईजैकिंग, सिम जैकिंग या पोर्ट आउट स्कैमिंग के नाम से भी जाना जाता है। सिम्स और फ्रॉड में सिम फिजिकली आपके पास प्रेजेंट रहता है पर आपका नंबर कहीं और चलने लग जाता है और इस तरह फ्रॉडस्टर आपके OTPs को, आपके मैसेजेस को रीड कर सकता है। साथ ही फ्रॉडस्टर आपके नंबर से कॉल करके किसी को ब्लैकमेल कर सकता है या फिरौती भी मांग सकता है, इसलिए इस फ्रॉड से बेहद ही सावधान रहें। आपको लग सकता है कि सिम स्वैप का जो थ्रेट है वो थियोरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को देखें। आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ था? सर, हमारा 13 तारीख को दोपहर को हमने देखा कि हमारा सिम बंद है, एमरजेंसी शो कर रहा था वो, तो उसमें हमने सिम निकाल के दोबारा डालने की कोशिश भी की अगर मे भी कोई और नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, बट वो एमरजेंसी भी था। तो उस दिन संडे था इसलिए हम उसको रीइशू भी नहीं करा पाए। तो हमने अगले दिन के लिए सोचा मंडे को कि हम मंडे को जाकर रीइशू करवा लेंगे सिम, मतलब सिम में कोई दिक्कत है। बट 14 तारीख को हमने जब अपना अकाउंट ओपन करने की कोशिश की ऑनलाइन के जरिए नेट बैंकिंग में, तब वो ब्लॉक शो कर रहे थे। तब हमने बैंक में कॉल किया कि हमारा नेट बैंकिंग ब्लॉक शो कर रहा है, कि इसमें क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारी तरफ से ऐसा कोई कॉल नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं हुई ऐसी। तो उन्होंने कहा कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप पता करें। तो जब टोल फ्री नंबर पर कॉल किया गया तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग नाइजीरिया से आपके अकाउंट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने आपकी अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो हमने लगा कि चलो कि अगले दिन पता करते हैं। अगले दिन हम जब 15 तारीख को बैंक गए, तब बैंक में हमने जाके वहाँ देखा कि हमारा जो अकाउंट है वो बैलेंस सेम नहीं बता रहा था जो हमारे लास्ट था। तब हमने स्टेटमेंट निकलवाई बैंक वालों से, स्टेटमेंट हमें दीजिए, हम स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं। जब स्टेटमेंट में देखा तो उसमें 3 ट्रांजेक्शन हुई हुई थी जो हमने नहीं की थी। एक थी 10 लाख की, एक 6.5 लाख की, एक 1 लाख की। सिम्स और फ्रॉड एक बहुत ही रियल थ्रेट है। नॉर्मली वही केसेस पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए जाते हैं जिनमें फ्रॉडस्टर अपने विक्टिम के अकाउंट से पैसे निकालने में सफल हो जाता है। इन रियलिटी सिम्स और फ्रॉड एक बहुत ही कॉमन फ्रॉड है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो यह फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। जब सिम्स और से फ्रॉड हो सकता है तो मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स इसको अलाउ ही क्यों करते हैं, आपके मन में ऐसा सवाल आ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिम स्वैप कई केसेस में यूजफुल साबित होता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना मोबाइल हैंडसेट को खो देते हैं उस समय आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पुराने सिम के बदले आपको नया सिम इशू कर दिया जाए। या दूसरा, जब आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट होना चाह रहे हो। या तीसरा, जब आप अपने सिम को एक्सीडेंटली डैमेज कर देते हैं तब आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पुराने सिम को नए सिम से रिप्लेस कर दिया जाए। या चौथा, जब आप अपने सिम साइज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो टू मिनी एंड वाइस वर्सा। और इस तरह सिम स्वैप कई जेन्युइन केसेस में भी काम आता है, लेकिन फ्रॉडस्टर इसका मिसयूज करते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड में टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। स्टेप 1, फ्रॉडस्टर आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करता है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू सोशल मीडिया एनालिसिस। स्टेप 2, फ्रॉडस्टर आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है फेक डॉक्यूमेंट्स लेके और जनरल कस्टमर की तरह क्लेम करता है कि उसके सिम को स्वैप कर दिया जाए। स्टेप 3, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉडस्टर को जनरल कस्टमर समझकर सिम को स्वैप कर देता है। स्टेप 4, इसके बाद फ्रॉडस्टर के डिवाइस पर आपके OTPs जाने लग जाते हैं क्योंकि उसके पास आपका नया सिम है। और इस तरह फ्रॉडस्टर आपके OTPs को रीड करके अनऑथराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर जाता है। सिम स्वैप का सबसे बड़ा वार्निंग साइन है आपके नेटवर्क का गायब होना। इसके बाद आप किसी को कॉल या मैसेज नहीं कर पाएंगे। दूसरा वार्निंग साइन है अगर आपको ईमेल्स पर नोटिफिकेशन आने लग जाए, खासकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर द्वारा किए गए होते हैं और इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आपका सिम स्वैप हुआ है या नहीं। सिम स्वैप होने के बाद आपको इमिडिएटली अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आप जितना विलंब करेंगे उतना ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। दूसरा, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री को चेक करें यह पता करने के लिए किसी फ्रॉडस्टर ने
आपके अकाउंट से अनऑथराइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो नहीं कर लिया है, और तीसरा अपने सेंसिटिव अकाउंट्स के पासवर्ड्स को इमिडिएटली चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स को। सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए जो सिम के पीछे आपका 20 डिजिट का नंबर होता है उसे किसी के साथ भी साझा ना करें। सिमिलरली अगर आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट होना चाह रहे हैं तो जो आपका UPC है, जो आपका पोर्टिंग कोड है, उसे किसी स्ट्रेंजर को ना बताएं। अगर आप उसे बता देते हैं तो कोई भी स्ट्रेंजर बड़े आराम से आपके नंबर को सिम स्वैप कर सकता है। सिम स्वैप होने के पहले आपको अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक वार्निंग मैसेज आ सकता है। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज दिखता है तो उसे इग्नोर ना करें और अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें।